हुआ बहन जी, कोई भूल चूक हो गए? आपकी बेटी आपके घर की दहलीज पार करके हमारे घर की दहलीज में लक्ष्मी बनके तभी प्रवेश कर सकती है जब आप हमारा मांगा हुआ नेक दे दें। नेक? बहन जी, हमने तो सब कुछ आप ही के हिसाब से किया था। अरे समधन जी, हिसाब किताब इतनी जल्दी कहाँ निपटते हैं? ओह, ये तुम्हारी बहन घर के चम्मच कटोरियां भी बटोर के ले जाएगी क्या? बहन जी देखिए, माफ कीजिएगा समधन जी, ये तो गलत है। पर हम आपसे जो मांगेंगे उसको देने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि आप तो बहुत खुश होकर हमें वो दे देंगे। जी हम समझे नहीं। हमारे बेटे गुलशन के हाथ में आपकी भतीजी परागी का हाथ चाहिए। परागी और गुलशन की शादी? मतलब देखिए बहन जी, अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। क्यों? और उसकी पढ़ाई भी चल रही। पराशर भाई साहब, हमारे बेटे गुलशन को आपकी भतीजी बहुत भा गई है। देखिए ना समधन जी, एक गाड़ी के बदले हम आपका कितना बोझ हल्का कर रहे हैं। पर हमारे बेटे गुलशन की तो कोई डिमांड भी नहीं है, बस एक नारियल और सिर्फ एक रुपया शगुन का। आपकी बड़ी बेटी अदिति की विदाई अब तभी होगी जब आप हमारे बेटे गुलशन को अपना दामाद मानेंगे। विदाई पे क्या तोप मार के सलामी दी है अदिति की सास ने। दिवाली ऑफर बना दिया है शादी को, एक के साथ एक फ्री। अपने तो अच्छे वाले दिन आ गए। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? शादी वाला घर है और समधन जी आपकी तो लॉटरी लग गई है। आपका तो हमने दोनों कंधों का बोझ ही हल्का कर दिया, बेटी का भी और भतीजी का भी। देखिए जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि ऐसी बातें हम द्वार पर कैसे करें। एक बार अदिति की विदाई हो जाए उसके बाद रिश्ते की बात करने के लिए तो बथेरा टाइम है। देखिए समधन जी, शादी सही मुहूर्त पर हो गई तो विदाई भी करा लीजिए प्लीज। हम कहां शगुन को अपशगुन बना रहे हैं भाई साहब। पर आपकी बड़ी बेटी अदिति की विदाई तभी होगी जब आप हमारे बेटे गुलशन को उसका मनपसंद उपहार दे देंगे। देखिए बहन जी, मैं आखिरी आप कुछ नहीं कहेंगे? ये लीजिए बहन जी शगुन, परागी आपके गुलशन की हुई। बधाई हो बहन जी, बधाई हो। बड़ी मम्मी, ये साईनाथ महाराज की लीला बिना निराली है। एक बेटी की विदाई से आंगन सुना हुआ नहीं कि दूसरी बेटी की रिश्ते की खुशी में सब जगमग हो गया। सही कह रही हैं आप। बड़ी मम्मी, अदिति अब तू अपने ससुराल में अकेली नहीं रहेगी, तेरी छोटी बहन परागी तेरी देवरानी बनकर जल्दी आ जाएगी। रो लीजिए बहन जी,
अच्छे से रो लीजिए। बेटियों की विदाई ना बहुत ही किस्मत वालों को देखने को मिलती है। हाँ समदन जी, अब देर मत कीजिए। वो क्या है ना कि विदाई का मुहूर्त हो गया है। जी 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 जी। मयंक बेटा चल अपनी नई कार में बैठ जा। मुझे बहुत डर लग रहा है रूमी, बहुत डर लग रहा है मुझे। तू बता, मेरे मेरी गलती है ना सब, मैंने खराब किया ना सब कुछ। शांत हो जा, तेरी कुछ गलती नहीं, कुछ गलती नहीं, समझी? तू सही बोल रही, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अभी जाके उस गुलशन की सच्चाई पूरे परिवार को बताती हूँ। और मुझे पता है मेरी बड़ी मम्मी मेरी इस बात को जरूर समझेगी। और देखना खुद ही वो ये रिश्ता तोड़ देंगी। सुन, पड़ोसियों को मिठाई के डब्बे बांट दिए थे? हाँ मम्मी जी, बांट दिए। कितने कितने दिए? मम्मी जी 7-7 दिए। एक एक को 7-7? तू तो लुटा रही है। ये देख यहाँ पे सारे लिफाफे भी पड़े हैं, चल हिसाब लिखना शुरू कर। अच्छा हुआ वो जबलपुर वाले मामा जी भी निपट गए, टाइम से अपने घर पहुँच जाएंगे। पर मम्मी जी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिठाई के डब्बे भी ले गए, पता नहीं कितनों को बांटेंगे। अरे बांटने देना, उनकी सगी भांजी की शादी है, कोई गैर की थोड़ी ना है। आगे जाके बोल दे अभी वक्त है। बड़ी मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुझे मुझसे क्या बात करनी है, मुझे तुझसे बात करनी है। सुन कल से ना मेरे साथ रसोई घर आया कर, कुछ सीख लेगी। और ये जो शादी से पहले कुछ दिन है ना, वो मोहल्ले वाला वो क्या कहते हैं उसे, हाँ लेडीज जिम, वो ज्वाइन कर ले। थोड़ी भारी भारी सी लग रही है आंटी जी। परु कहना क्या चाहती है एक बार सुन तो लो। अरे तू तो रात भर जग के थक गई होगी ना, तू अपने घर निकल ले। सुन अपने अम्मी अब्बू के लिए मिठाई जरूर लेती जा, रुक मैं ला कर देती हूँ। परु जो भी अभी के अभी बोल दे। पूरे 1 किलो का है और वो भी बालूशाही, लेकर जा चल। बड़ी मम्मी मैं अदिति दीदी के देवर गुलशन से शादी नहीं करना चाहती। अरे क्यों नहीं करना चाहती शादी? अदिति दीदी तेरी जेठानी होगी, इतना बड़ा घर है ना, और वो उसका बड़ा भाई इतना बड़ा पुलिस में इंस्पेक्टर, खेती बाड़ी तो अलग। अरे तू तो नसीब वाली है जो लड़के ने खुद तुझे पसंद किया। राज करेगी राज, और क्या चाहिए एक लड़की को। इज्जत बड़ी मम्मी मेरी इज्जत, जिसे भरी शादी में वो गुलशन उछालना चाहता था। आप जानती हैं उसने शादी में क्या क्या किया? गुलशन जो चेयर से बंधा मंडप में आया था मैंने बांधा था। इसलिए मैं बच पाई, नहीं तो अब तक तो वो गुलशन
वो तो अच्छा है, शादी में एक लड़का था संजय, उसने मेरी हेल्प की, नहीं तो उस गुलशन ने तो बस इसी बात का बदला लेना चाहता है वो बड़ी मम्मी। वाह, मतलब जो कांड हुआ शादी में वो तूने किया था? वो गुलशन को चेयर से तूने बांधा था? दिमाग, अगर मेरी सगी बहन की शादी रुक गई होती तो उसने हाथ लगाया तुझे? बोल बेटा परागी, सब कुछ बता, क्या किया उसने? उसने बदतमीजी की तेरे साथ? उसकी ये मजाल सुन लिया चंदा, तूने झट से शगुन का नारियल चढ़ा दिया। अरे कुछ तो सोच लेती, कोई तो वजह थी ना जो अच्छी भली विदाई छोड़ के अपने दूसरे बेटे के शादी के लिए आड़ गई वो औरत। ये वजह थी। उसने मेरी बेटी को हाथ लगाया, घटिया इंसान, हाथ काट के फेंक दूंगा उसका, शादी तो भूल जा, आज ही सबक सिखाता हूं उसको। अदिति के पापा, ये शादी तो हमें करवानी ही पड़ेगी। आप चाहे अपना गुस्सा निकाल लो, चाहे तो चप्पलों से पीट भी लो। चुप कर, अपना दिमाग कौओं को खिला के आई है क्या तू? उस आवारा लड़के के साथ मेरी बेटी के ब्याह की चिट्ठी बंटवाएगी? बेटी के नहीं, भतीजी के ब्याह की, और वो भी अपनी सगी बेटी अदिति की खुशी की खातिर। करना पड़ेगा। और मैं पूछती हूं, जिम्मेदारी क्या सिर्फ लड़कों की ही होती है? ये इससे पूछो, पूरे संगीत में, पूरी शादी में ये छम्मक छल्लो बनकर क्यों घूम रही थी अपनी कमर दिखाती हुई? अगर कुत्ते के सामने मांस डालो तो कुत्ते का जी तो ललचाएगा ही ना। भाई तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शादी ब्याह का मामला होता है ना तो ये सब होता है। लौंडे लपाटे आते हैं, दारू पीते हैं, तमाशे करते हैं, ये सब होता है। सही सवाल ये कि ये वहां भटकने क्यों गई थी, बताइए। चलो भटकते करते चली गई होगी पापा, लेकिन अपने भाइयों को ना बुला के एक अनजान लड़के से मदद ली, हम सब क्या मर गए थे? और वो संजय प्रकाशन किताब घर वालों का लौंडा, क्या लगता क्या है वो तेरा? चुप कर, ये तरीका होता है, ऐसे होते हैं भाई। अच्छा हुआ तुम दोनों से मदद नहीं ली, बल्कि उस घर संजय पाठक को मदद के लिए बुलाया। बड़े आए, बड़ी मम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी किसी के भी साथ, और उस जानवर गुलशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जानवर? अरे अगर जानवर होता ना तो उसे रोक नहीं पाती, शरीफ है इसलिए सबके सामने तेरा हाथ मांगने आया है। बड़ी मम्मी वो बस बदला लेना चाहता है बस। अच्छा तो फिर तो इसके हिसाब से हमने अदिति की शादी गलत घर में कर दी, हमें तो उसे वापस बुला लेना चाहिए। फिर गलत समझ रही है तू, उसके कहने का मतलब ये नहीं है। अच्छा हाँ बड़ी मम्मी, जिया जी बहुत अच्छे हैं, पर वो पर क्या? अरे जीजा जी अच्छे हैं और उसका भाई भी अच्छा ही है, जो उसने शादी नहीं तोड़ी, तूने उसे बांधा फिर भी। अरे लड़के वाले हैं, कुछ भी कर सकते थे, कोई और होता ना तो मचान मचा देता और अदिति की शादी आज ही टूट गई होती। मैंने भी दुनिया देखी है परागी, गलत गुलशन नहीं, गलत तू है। ए चंदा सुन, मुझे उस लड़के का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अखबार में नहीं छपवाना है, और ना ही तुझसे इस मुद्दे पर कोई बहस करनी है। बहस दिमाग वालों से की जाती है, बहस के आगे बीन नहीं बजाई जाती। ए परागी चल बेटी, और मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती। आजा। अरे पापा मां समझाओ।
हे साईनाथ, आपने अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाकर रखी। इतना कुछ दिया है आपने हमें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर। मेरा बेटा संजय इस साल UPSC में बैठ रहा है। मेरी बेटी आशिका किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। और मेरा छोटा बेटा अभय, वो अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहे। बस यही प्रार्थना है मेरी। मत कैसे हुई उनकी ये कहने की, उनके कहिए दोबारा यहाँ पर दिखाई ना दे, वरना ठीक नहीं होगा। भोपाल में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मेरा घमंड है, घमंड। इसलिए दोबारा आप ये कॉल मत कीजिएगा, प्लीज। रखिए फोन। शांत हो जाइए प्लीज। लेकिन क्यों भाभी? खुश रहो, खुश रहो। जी तेरा भाई साहब सही कह रहे हैं, समझते क्या ये लोग अपने आप को। और नहीं तो क्या भाभी, हिम्मत कैसे हुई इन सब की हमारी आशी को कुछ भी कहने की। भतीजी नहीं, बेटी से बढ़के है वो हमारे लिए। देख लिया ना इन्हें कहीं, तो बाय गॉड छोड़ूंगी नहीं इन सबको। बेबी बस हमेशा का प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, घर अच्छा है, पर आपकी बेटी के पैर में खोट है। मेरी बेटी के लिए जायदाद तो क्या जान दे दूं मैं अपनी, लेकिन इन लोगों की लालच, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। अरे मेरी बेटी है, कोई सेलफोन नहीं है कि छोटा सा स्क्रैच आ गया तो डिस्काउंट मांगती है। पता नहीं क्यों किसी को हमारी बेटी के गुण क्यों नहीं दिखते। क्योंकि अकल से अंधे हैं सब। दिमाग में भूसा भरा हुआ है सबके। चलें दी। यही तो होता है हमारे समाज में, इंसान के अंदर कितनी भी खूबियां हो कोई नहीं देखता, लेकिन उसकी खामियां देखते ही रहते हैं, कभी उसे दूर नहीं कर पाते। ये बीमारी है हमारे समाज की, पता नहीं कब दूर होगी। करेक्ट, ऐसे लोगों को तो जूते से मारना चाहिए। नहीं दी, हमेशा सब कुछ मेरी वजह से खराब क्यों होता है? मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन शादी तय होने की वजह से सब खराब हो गया। पराजी बेटा, तू आदिति की चिंता मत कर, मेरी दोनों बेटियां हैं और दोनों मेरी जिम्मेदारी है। तू बस अपना ध्यान IAS बनने के सपने में लगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ऐसी असली नीली बत्ती वाली गाड़ी में हमारे चौखट पर खड़ी हो, अफसर बन के। तू इसी साल देगी UPSC का एग्जाम। एक बार UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया ना, फिर
फिर देख लो, ये तेरी बड़ी मम्मी, तेरे लालची भाई बहन भाभी सब तेरे इर्द गिर्द मंडराएंगे, क्योंकि बन जाएगी ना उनकी परागी। बड़ी हम सब अपनी बेटी अदिति के लिए इस परागी को सूली पर भी चढ़ाने से मैं चूकूंगी नहीं। मैं भी देखती हूं कैसे अदिति की देवर गुलशन की शादी इस परागी से नहीं होती।